हेलो गाइस एंड टुडे आई एम बैक विद बेबी इन येलो। तो जैसा आप जानते हैं, मैंने इसका एक ट्रेलर एनालिसिस डाला था यूट्यूब पे, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी एक बार डाल दूँगा। सो विदाउट एनी फर्दर टू डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज बेबी इन येलो का ब्लैक कैट अपडेट आया है, और ये आज आया है। कुछ लोगों को ये प्री रिलीज मिल गया था, पर अनफॉर्चुनेटली मैं इतना पॉपुलर नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं मिला। बट टीम टेरेबल बिल्कुल भी टेरेबल नहीं है, इट इज़ टीम वंडरफुल, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को ये दिया है, जिनसे बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज बनी हैं, जिससे मुझे भी इसके बहुत सारे आइडियाज़ मिले हैं। तो आफ्टर दैट अलॉन्ग आफ्टर 2-3 डेज एक लोअर वीडियो आएगा, जिसके अंदर मैं इसकी पूरी स्टोरी अनकवर करूँगा। सो विदाउट एनी फर्दर टू डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सीधा हमें दिख रहा है वेलकम टू बेबी इन येलो, आप रीड कर लीजिए। सो वेयर वुड यू लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिन, हमने खेल लिया, आप मेरे चैनल पर उसको देख सकते हैं। सो आज हम शुरू करेंगे द मोमेंट दैट वी हैव बीन वेटिंग फॉर, द ब्लैक कैट अपडेट। ओके, तो इसको खोलते हैं। तो एक्चुअली मैंने ये बात पिछले में बताई थी, और हम इसके थर्ड बेबी सिटर हैं, और मैं इस बेबी को पिल्लू बोलूँगा। ओके, तो अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं, ये है उस बेबी का अपार्टमेंट, और ये इतना घस क्यों रहा है, और यहाँ पे बेबी है नहीं। फॉलो द ब्लैक कैट, ब्लैक कैट यहाँ पे कही है, बहुत क्रीपी सा लग रहा है। ठीक है, पर तो जल्दी से क्लाइम करो, मुझे लग रहा है कि उस बेबी का शैतान वाला रूप आ जाएगा। ये क्या है? ये तो वही है जो हमने पिछली बार देखा था, यहाँ पे बिल्ली है। हेलो ब्लैक कैट, और इसको हम बुलाएंगे ब्लैकी। ब्लैकी पेंटिंग में कूद गई है। हम इस गेम में पेंटिंग्स के द्वारा इस डायमेंशन में ट्रैवल्स कर पाएंगे, पर शायद ये लास्ट बार है जब हम इस डायमेंशन में आए, और शायद पता नहीं, शायद है, मुझे भी ज़्यादा स्पॉयलर्स पता है नहीं। दिखा रहे हैं फॉलो द ब्लैक कैट, सामने बैठी है चांद में, और वो जो सिटी की जो मैं डीमन सिटी बता रहा था, तो उसका नाम कारकोसा है, ये मुझे आज ही पता चला, उस सिटी का नाम कारकोसा है। अब बिल्ली तो गायब हो गए, इस तरफ जाते हैं, सब कुछ ब्लैक हो गया। हाँ, तो उस सिटी का नाम कारकोसा है, ये मुझे आज ही पता चला, और जो मेरी लोअर वीडियो और ब्रेक डाउन होगी गेम के, जिसके अंदर मैं गेम की स्टोरी एक्सप्लेन करूँगा, उसके अंदर भी कारकोसा का बहुत बड़ा रोल होगा, इसलिए देखते रहिएगा, क्योंकि इस गेम में मैं ज़्यादा हिंट नहीं दूंगा कि मेरा कंस्पिरेसी थ्योरी में क्या क्या आने वाला है, पर मैं थोड़े थोड़े आपको दिखाऊंगा कि मैं कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करना चाहता हूँ। लेट्स फॉलो द ब्लैक कैट, ये यहाँ पर बैठी हुई है, जैसा कि यहाँ पे दिख रही है सब खुला हुआ है, तो शायद यहाँ पे बुक्स जाती हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है, ये तो कोई बुक पड़ी हुई है यहाँ पे सीधा। यहाँ पे चार डॉट्स हैं, इसको यहाँ पे लगा के देखते हैं। प्लेस द मिसिंग बुक्स, मतलब ये थी एक मिसिंग। ओके, ये भी एक बुक है, पता नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इनमें से एक काम नहीं करेगा, ये काम नहीं कर रहा, ऊपर वाले के लिए, नीचे वाले के लिए, मतलब ये घटिया बुक है। ठीक, फेंको उसको, यहाँ पे ढूंढते हैं और बुक्स। यहाँ पे पिक एक 2 है, तो इसको हम 1 के बाद प्लेस कर सकते हैं, राइट ओवर हियर। तो अगले एक 3 होनी चाहिए, ये देखिए 2, मतलब एक शायद एक और हमें ऐसी ट्रोल करने के लिए बुक बनाई है, ये एक और मेरे ख्याल से ये ट्रोल बुक है, मेरे कहाँ गिर गई, मेरे ख्याल से ये पक्का ट्रोल बुक है, वो बुक नहीं थी। दिखा रहे हैं इन्वेस्टिगेट द बॉयलर रूम, एक फर्नेस है और एक वॉल्व है, मुझे लग रहा है ये फटने वाला है, अभी से ही मुझे लग रहा है कि ये फटने वाला है। दिखा रहे हैं फीड फर्नेस, कोयला खिलाते हैं, हम तो बच्चे के बेबी सिटर थे, हम कोयला क्यों जला रहे हैं यहाँ पे, आवाज़ें आ रही हैं, ये क्या है, खोल सकते क्या हम लोग, दरवाज़ा खुल गया। एक्सप्लोर बियॉन्ड द केव, ये तो बड़े अजीब से सीवर लग रहे हैं, कार नो जंप स्केयर्स प्लीज, नो जंप स्केयर्स, नो जंप स्केयर्स, नो जंप स्केयर्स, नो जंप स्केयर्स, इतना भी मैंने डरा, मैं बहुत
रिसेंटमेंट द फैक्ट वो बहुत डर गया उससे। लेकिन यहाँ पे देखते हैं ये कुछ दरवाज़ा कुछ खुला हुआ है इधर, ये ऐसे शेक क्यों कर रहा है ग्राउंड, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। फॉलो द ब्लैक कैट, पहले अपनी सराउंडिंग्स को एक बार, आवाज़ें कैसे आ रही है, मैं कब चल रहा हूँ, अजीब अजीब से आवाज़ें आ रही हैं। ये लॉक था, इसके बियॉन्ड एक बार देख लेते हैं, ये कुछ खुला है, ये तो शायद बॉयलर रूम का है, ओके तो ये रास्ता आ गया बॉयलर रूम में जाने का। ये क्या है, बैटरी और इंक कार्ट्रिज, शायद हमें कुछ पत्र लिखना पड़े उसको बेबी को कि डियर बेबी जी आपके आपको मैं ये पत्र लिखता हूँ। ये क्या है, ये हमारा रोबोट है और इसका नाम न्यूट है जैसा मैंने पिछली बार बताया था। और ये देखिए स्पेसिमेन, ये देख लीजिए कि ये क्या है, और नीचे भी देख लीजिए, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि मैं एक शॉर्ट भी डाल दूँगा अबाउट अ टॉपिक दैट मोस्टली सबको पता होगा पर फिर भी, न्यूट। ये जिंदा हो गया, ये जिंदा हो गया न्यूट, लॉग एंड करो जल्दी से, इसकी तो आंखें हिल रही हैं, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्या करना पड़ेगा अभी हमें। ये क्या है, यहाँ पे न्यूट को लगाना पड़ेगा क्या, न्यूट ही दिखा रहे हैं अभी भी उसका नाम, वो ये बड़ा दिखा रहा है कि कार्ड लगा दी हमने वो, अब क्या आएगा। ओ नो, इसमें मैं बहुत बुरा हूँ, लेट्स स्टार्ट, मैं एक बार में ही फेल हूँगा, आई नो दिस, एक तो मैंने पास कर लिया, देखो गाइस मैंने बोला तो मैं बहुत बुरा हूँ उसके अंदर, अगर उनको ज़्यादा देर लगेगी मैं इसको स्किप कर दूँगा, पर स्किप नहीं कर सकते, उसको करने में एक दो घंटे लग जाएंगे। ओके लेट्स पेशेंस, मैं इतना बोलूँगा नहीं वरना फिर मैं हारते ही रहूँगा। नूब गेम प्ले आप लोग विटनेस कर रहे हैं। ओके टू हो गया, अब ये थर्ड है, अब ये ज़्यादा टफ होगा। मैंने एक चीज़ नोटिस कर लिया, जो लेवल है उतने ही नंबर ऑफ ये आते हैं चार्जिंग पॉइंट्स, पर ये टीम टेरेबल ने बहुत अच्छा करा, मैंने कहा था कि वो लोग टेरेबल नहीं वंडरफुल है, बेचारे न्यूट को हमारी गलतियों की वजह से शॉक पड़ रहे हैं, आई एम सो सॉरी बेचारा न्यूट, और अगर ये बुरा हुआ ना क्यूट सा लग रहा है, चार्ज हो गया चलो ये तो अच्छी बात था, चलो तो घर घूम सर घूमने लग गया, ओ सो क्यूट, प्लग इट इन, ओ ये क्या है, अच्छी क्या हुआ, इंक कार्ट्रिज लग ही रहा था, इंक कार्ट्रिज की जरूरत होगी, देखा था इंक कार्ट्रिज वहाँ पर, अब तो इजी हो गया कि जब कुछ एक बार देख ले तो बड़ा ग्लास से बॉटल लग गई है, कैसी आवाज़ थी, कुछ हुआ है कुछ हुआ है कुछ हुआ है कुछ, ओ नो, क्या ये बस मेरा वहम है या बेबी ज़्यादा पास आया है, ऑफकोर्स बेबी ज़्यादा पास आया है, मुझे बहुत डर लग रहा है, आई एम श्योर कि अब बेबी आने वाला है, ये ले जल्दी से न्यूट, बहुत खुश है वो, हार्ट बना रहा है हमारे लिए, हग तो दे ही नहीं सकता इसको, न्यूट को ये देना है तुझे पैर, अभी ले गया तो फेंक दिया इसको उठा के, चलो न्यूट जिंदा होना तुम, ये रोबोट मर क्या, अभी तक तो जिंदा है, कहीं बेबी तो नहीं है कि बेबी की आत्मा इसके अंदर आ गई हो, होता तो ऐसे ही है ऐसे गेम्स में, अभी मैं खोलता रह रहा हूँ सब कुछ, बाद में एक्सप्लोर करेंगे, तो लॉकड है। ओके यहाँ से शुरू करते हैं, फिर तो कुछ अजीब सा डोर स्टॉप मिला है,
पता नहीं शायद इसकी ज़रूरत पड़े या ना पड़े, देख लेते हैं। हम फेंक देते हैं, यहाँ पे कुछ सही सा नहीं है वैसे, सिवाय स्क्रू ड्राइवर शायद हमें ज़रूरत पड़े। और ये बोल रहे थे कि बूस्टर अटैच कर दें, ये क्या है? समथिंग गोज योर सॉकेट, ये क्या है? इस रास्ते को हमने अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं करा, इसको करते हैं क्या एक्सप्लोर। बूस्टर यूनिट ये लगेगी, इसको यहाँ पे लगा। अब मुझे न्यूट को लेकर आना है, पर प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं उसको खोलूँगा तो फिर ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा। शायद यहाँ पे हम डोर स्टॉप लगाएंगे। चल न्यूट क्यूटी, टॉक न्यूट, लग जा न्यूट, शक्ति आ जाए न्यूट में। ये क्या लग गया है न्यूट में? अभी शायद बेबी आ जाए। ये न्यूट कहाँ घुस गया? न्यूट ये क्या चल रहा है? बेबी आ रहा है, बेबी आ रहा है, बेबी आ रहा है, बेबी आ रहा है, बेबी आ रहा है। और कुछ पास हो जाओ, बेबी बहुत पास आ रहा है। हाँ न्यूट, न्यूट तो यहाँ पे क्या कर रहा है? इसको रिपेयर करना है एलिवेटर वेंच, वेंच मैंने देखा था, ये रहा वेंच। ये ले जल्दी पकड़, अगला देखते हैं। मैंने एक गेम प्ले में देखा था कि इसके बाद ऑयल कैन की जरूरत है। हेलो न्यूट, गाना गाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले बचाओ उस डरावने शैतान बेबी से। ये ले पी ले इसको, तो इसको गटक गटक करके पी गया। ये तेरा खाना है ना न्यूट? अब बता तुझे क्या चाहिए? हथौड़ा, हथौड़ा ये बेबी के सर पे मारेंगे जब बेबी आएगा। ये ले न्यूट, मुझे मज़े करने में पड़ा हुआ है ये न्यूट तो, फुल ऑन मज़े करता है। मैंने सोचा कि इस बार मैं इस गेम को थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, पर नो, मैं नहीं कर सकता। आगे एलिवेटर, कल से आज के लिए मैं इतना ही करूँगा, पर एक बार देखता हूँ ऊपर जाके क्या, कौन से अच्छे मैकेनिक्स होने वाले। बंद हो रहा है, कुछ तो अजीब सा हो रहा है। पोर्टल खुल गया, बेबी आ गया, बेबी आ गया, बेबी आ गया, नो 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 बेबी छी। ये बेबी फिर से आ गया, जिसके हमने इतनी नैपी चेंज करी थी, इतना उसको खाना पानी पिलाया था, लास्ट में हम ही खा गया था। ओके, द लेबोरेटरी, द सीक्रेट गार्डन अवे फ्रॉम द पीरिंग आईज एंड असाइलम इन कारकोसा प्रोटेक्टेड बाय द वाइज न्यूट। इस लाइन का मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, इसको मैं अपने सीक्रेट वीडियो में ऐड करूँगा। प्रेस हियर टू स्टार्ट, स्क्रीन शॉट का आ गया है पूरा। ये कुछ अजीब अजीब सा है, वाओ फूल। पहले न्यूट कैमरा, न्यूट पूरा, हेलो न्यूट। अभी पहले मैं एक्सप्लोर कर लूँ, फिर तेरे साथ खेलेंगे। ये क्या है? इसे खड़े होके खुल रहा है, न्यूट को बिठा देंगे यहाँ पे, खोल देंगे, पता नहीं। या गाइस आई एम बैक। गार्डन जैसे भी कहीं लगा और बहुत मॉडर्न सा लग रहा है, किसी भी तरह से लग। क्लोज क्या इसमें? खोलो, भूतास के पीछे बेबी है, कोई लॉक टेप मुझे दिख रही है। यहाँ पे भी क्या कुछ है? ओपन, येलो बेबी इन येलो, इतने सारे येलो कैन। जी 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 जी, यहाँ पे बेबी खुद आएगा ड्राइंग बनवाने अपनी। ये है कौन, डॉक्टर है? ये थोड़ा सा सस है, येलो येलो, बड़ा फनी है। ये येलो रूम, येलो 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 रूम, येलो। कैसा पागल डॉक्टर है, कहीं से तो बेबी को भूत ही बना दिया। कंट्रोल थी लॉक, ये पक्का डॉक्टर है जो हमें शायद इसके। हेलो बेबी, तू कैसा है? हाँ तो ये क्या दिखा रहे हैं? टर्न वाल, उसमें क्या करेंगे आप? इस न्यू को फिर डाल देते हैं। न्यूट, न्यूट चला गया, न्यूट कहाँ से निकलेगा? न्यूट तू वहाँ से निकला, ये तो बड़ा अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। न्यूट कहाँ भाग रहा है?
न्यूट को उस येलो रूम में लेकर जाते हैं, येलो येलो येलो, शायद न्यूट भी येलो कलर का हो जाए, कुछ नहीं होगा न्यूट, चलो। तो ये कुछ दिख रहा है अच्छा सा, खुल रहा है कुछ, और इस पार्ट को हम देखेंगे इन अ नेक्स्ट वीडियो, नो स्पॉयलर्स फॉर यू ऑल, इसको हम देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। उस पहले मैं एक बार न्यूट को येलो 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 करने जाता हूँ, न्यूट एक्सप्लोर कर रहा है पीछे की जगह को। तो एक्चुअली मैंने अभी तक वो जगह देखी है नहीं, पर मैंने सुना है कि वो बहुत अच्छी है, तो अभी के लिए तो न्यूट स्पॉयलर्स नहीं देने। चलो मेरे साथ नीचे, चलो नीचे नहीं आ सकते हैं। ये बेबी का मुंह अभी इतना अजीब से क्यों रहता है, पर जो भी हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही, आपको अगली वीडियो में देखेंगे जो मोस्ट लाइकली कर आएगी, और जब तक मैं अपनी लोअर वीडियो के लिए चीज़ें इकट्ठा करने लग जाता हूँ। ओके गाइस टिल देन बाय बाय, न्यूट तो भी बाय बाय बोलते, बाय बाय, बड़ी फनी न्यूट की आवाज़ है। चलो बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।